क्लास में आपका स्वागत है। आज इकाई दो आप व्यवसायिक सौदे का लेखांकन, जो व्यवसायिक सौदे हैं उस लेखांकन के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। इसमें आपको प्रमापक क्या होते हैं, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, संपत्तियों को आप किस प्रकार लिख सकते हैं, इसके विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो प्रमापक लेखे आपको उससे पहले ही बताया था, प्रमापक लेखे प्रमाप लेखांकन प्रमाप भी कहते हैं। इसे मूल प्रालेखों के आधार पर, मतलब जो व्यवसाय के मूल प्रालेख होते हैं उनके आधार पर उनको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है या लेखे करके नथी पर सुरक्षित रखने के लिए उद्देश्य से जिन प्रपत्रों का उपयोग किया जाता है उन प्रपत्रों को आप क्या कहते हैं, प्रमापक कहा जाता है। नगद बीजक हो गए और प्रपत्र हो गए आपके, और बजट प्रपत्र हो गए, ये सब आपके क्या हो गए, आपको किसी व्यवसाय के लिए उसके बिल हो गए, बीजक पत्र हो गए, व्यवसायिक प्रपत्र हो गए, सब सुरक्षित रखने के लिए प्रपत्रों का क्या किया जाता है, प्रपत्रों का उपयोग किया जाता है, प्रपत्रों को प्रमाप भी कहा जाता है। तो प्रमापक भी दो प्रकार के होते हैं, नगद व्यवहारों का लेखा करने के लिए, तब जो लेन देन आपके जो भी व्यवहार है नगद किए जाते हैं उसे नगद व्यवहारों का लेखा करने के लिए, दूसरा अन्य व्यवहारों का लेखा करने के लिए भी किया जाता है। तो प्रमापक दो प्रकार के होते हैं, नगद व्यवहार के लिए लेखा करने के लिए और अन्य व्यवहारों के लिए। तो प्रमापक जो होते हैं वे व्यवसायिक सौदे पर कैसे होते हैं, लिखित प्रमाण होते हैं। तो जो भी प्रमापक होंगे वो कैसे होंगे, लिखित होंगे, उनका व्यवसायिक सौदों में उनका लिखित प्रमाण होता है। जब आप कोई भी लेन देन करेंगे व्यवसाय में तो वो कैसा होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। उदाहरण के लिए जब कोई ग्राहक है, मतलब कोई व्यक्ति है, वह नगद माल आपसे खरीदता है, मान लीजिए कोई राम है उसने किसी से नगद माल खरीदा, ग्राहक माल को बदले में क्या देगा, आपको रोकड़ भुगतान करेगा जो विक्रेता को करता है। तो विक्रेता नगद प्राप्ति की क्या प्राप्त करेगा, रसीद देता है, मतलब आपने किसी से माल खरीदा, आपने उसको पैसे दिए तो वो आपको क्या देगा, रसीद देगा। तो वह क्या हो गया, आपके पास एक प्रमाण हो गया, तो उसे प्रमापक कहते, प्रमाणक कहते हैं। तो जो प्रमाणक है वह अगर आप किसी भी व्यवसायिक सौदा, मतलब कोई व्यक्ति से आपने कोई माल खरीदा उसके बदले में आपको जो रसीद प्राप्त हुई वह क्या हो गया, आपके पास प्रूफ या प्रमाणक हो गया। तो डेबिट और क्रेडिट का अर्थ समझने के पूर्व, तब आपको कोई भी डेबिट हो गया, डेबिट तथा क्रेडिट का अर्थ समझने पर यह जानना आवश्यक है कि व्यवसायिक लेन देनों को चार्ट कर विभिन्न शीर्षों में, मतलब जो व्यवसायिक लेन देन किए जाते हैं उनको आप अलग अलग रखकर विभिन्न शीर्षों में क्या कर सकते हैं, तैयार किया विवरण क्या कहा जाता है, खाता, मतलब किस खाते में क्या गया, मतलब क्रय विक्रय लेनदार देनदार जो भी है वह शीर्ष के आधार पर विवरण तैयार करते हैं, उस विवरण को खाता कहा जाता है। विशेष वस्तु, मतलब जो भी विशेष वस्तु होगा, व्यक्ति होगा, उसकी संपत्ति होगा, मतलब जो आय होगा वह होगा, उस जानकारी को आप क्या करेंगे, इकट्ठा करके एकत्रित रूप से इसको क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत करते हैं। मान लीजिए श्याम या राम जो भी हो गया उसने आपका मशीन खाता, कमीशन खाता के प्रारूप, मतलब बड़े अंग्रेजी के टी अक्षर के समान होता है, इसके लिए टी खाता भी कहा जाता है। प्रत्येक खाते के दो पक्ष होते हैं, एक होता बाएं पक्ष के नाम, मतलब बाएं पक्ष के नाम और दाएं पक्ष में जमा, मतलब जो दाना, मतलब जो आपका बाया पक्ष है वहां पर आप उसको क्या लिखोगे, जो आपके नाम है, और जो आपने दिया दाएं पक्ष में जो जमा पक्ष भी कहते हैं। तो ये हो गया डेबिट और क्रेडिट। फिर संपत्तियों को दृश्य और वस्तुओं को अदृश्य अधिकारों से होते हैं, जो संपत्ति होती है, संपत्तियों से हमारा आशय दो प्रकार की वस्तु होती है, जो दिखती है और जो नहीं दिखती, मतलब जो आप देख सकते हो और जो होती है जो नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। तो लाभ में जो व्यापार के लाभ अर्जित करने में क्या करता है, सहायता अर्जित करने में
क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। हम कह सकते हैं संपत्ति ऐसे साधन है जिसकी सहायता से व्यवसाय का मतलब संपत्तियां होती है, वह एक ऐसा साधन होता है जो व्यवसाय को संचालित करने के लिए क्या करता है, लाभ अर्जित करने के लिए किया जाता है। और इस तरह में संपत्तियों के उदाहरण है। और जो व्यवसाय में आप व्यवसाय के संचालन के लिए क्या किया जाता है, जिसकी सहायता में संपत्तियों को साधनों को लगाया जाता है, तो वह होती है ख्याति हो गया, उसमें हो गया उपार्जित आय, उपार्जित आय। दूसरा होगा पूर्वदत्त व्यय जो पहले से व्यय किया हुआ, भवन, अंतिम स्टॉक, प्रायः विपत्र, बैंक में रोकड़ और हस्तगत रोकड़ जो आपके हाथ में है, देनदार, विनियोग जो आपने खर्च किया, फर्नीचर, यंत्र, भूमि आदि जो हो गए, ये आपकी क्या हो गई, निम्नलिखित संपत्तियां हैं जो किसी व्यवसाय को संचालित करने के लिए आपको लाभ अर्जित करने के लिए इन संपत्तियों का उपयोग किया जाता है। फिर व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, दूसरा हो गया अकृत्रिम व्यक्तिगत खाता और तीसरा हो गया प्रतिनिधि व्यक्तिगत। तो कृत्रिम व्यक्तिगत खाते में लेन देन जो कंपनी कोई व्यवसाय आपके पास है उनके लेन देन के लिए बैंक, फर्म, क्लब, सरकारी विभाग आदि से संबंधित होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, कृत्रिम खाते कहलाते हैं। और अकृत्रिम खाते हो गए जहां पर लेन देन व्यक्ति संबंधित होता है, तब जो लेन देन है वह किसके संबंध में होता है, जो अकृत्रिम खाते थे व्यक्तियों से संबंधित होता है। और कृत्रिम जो होता है वह लेन देन या जो लेन देन होता है कंपनियों के उससे संबंधित होता है। इसमें अकृत्रिम व्यक्तियों के खाते कहलाते हैं, जिसमें आपको मान लीजिए राम का खाता, श्याम का खाता, मोहन का खाता, मतलब ये व्यक्ति विशेष के खातों पर आधारित आकृतिम जो खाते प्रतिम जो खाते होते हैं वह व्यक्तिगत खाते होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर होते हैं। फिर है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, लेन देन में किसी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करता है उसे प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत व्यक्तिगत खाता कहते हैं, जिसमें जैसे की अदत व्यय हो गए, पूर्वदत्त व्यय हो गए, उपार्जित अनुपार्जित कमीशन, ये सब क्या हो गए, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते। इसमें लेन देन किसी विशेष व्यक्ति या प्रतिनिधि करता है और इसे क्या कहते हैं, प्रतिनिधित्व या व्यक्तिगत खाता कहते हैं। फिर है जो दो पक्षों के बीच में, दो पक्षों के बीच होते हैं जिसमें मुद्रा, माल, सेवा का आदान प्रदान किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत व्यवसायिक सौदा कहा जाता है। व्यवसायिक सौदे मतलब आप किसी भी व्यवसाय को शुरू करोगे, किसी व्यवसाय को व्यवसाय को शुरू करते हैं तो जो व्यापार या व्यवसाय होता है उनके बीच होता है, दो व्यक्ति या दो पक्षों के बीच में होता है, जिसमें मुद्रा का माल सेवा आदान प्रदान क्या कहा जाता है, वह व्यवसायिक सौदा कहा जाता है। और व्यवसायिक सौदे की भी कई रूप है, जैसे कि माल खरीदना, बेचना, व्ययों का भुगतान आदि। तो जो व्यवसायिक सौदे होते हैं उनके भी दो पक्ष होते हैं, होता है व्यवसाय जो होता है वह नगद व उधार दोनों रूप में हो सकता है। अगर आप कोई भी व्यवसाय शुरू करोगे, कोई भी व्यापार करोगे, तो उनमें जो होगा आप नगद व्यापार भी कर सकते हो, उधार व्यापार भी कर सकते हो। तो व्यवसायिक सौदे में दो पक्ष होते हैं, पहला होता है व्यवसायिक सौदा नगद व उधार दोनों रूप से हो सकता है। व्यवसायिक लेन देन में हिसाब किताब पुस्तकों में लिखा जाता है। आपको कोई भी व्यवसाय है आपके पास, जिसका लेनदार है, देनदार है, उधारी है, जो आपने क्या दिया, क्या लिया, उन सब का विवरण कायम लिखा जाता है, पुस्तकों में लिखा जाता है। फिर व्यवसायिक सौदों में मुद्रा, माल, सेवा का आदान प्रदान किया जाता है। तो व्यवसायिक सौदे दो पक्षों के बीच जो होता है। फिर लेखांकन समीकरण से क्या आशय है, लेखांकन समीकरण क्या होता है, तो व्यापारिक और गैर व्यापारिक संस्था की कुल संपत्तियों का योग लेखांकन समीकरण बनाएंगे, तो उसमें संपत्ति, दायित्व, ये सब इसके क्या होंगे, इसके समीकरण के आधारित होते हैं। तो जो गैर व्यापारिक संस्था, व्यापारिक संस्थाएं और गैर व्यापारिक संस्थाएं जो कुल संपत्तियों का वो योग उनके दायित्वों के योग के बराबर होने से व्यापारिक और गैर व्यापारिक संस्था की जितनी
और गैर व्यापारिक जितनी भी संपत्तियां होती हैं उतना ही उनका दायित्व भी होता है। समीकरण उत्पन्न इसी से समीकरण क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है, समीकरण लेखांकन कहलाता है। तब समीकरण लेखांकन क्या कहलाता है, समीकरण लेखांकन से आशय होता है जो व्यापारिक और गैर व्यापारिक संस्था होती है उनकी कुल संपत्तियों का योग और जो उसके दायित्व के योग के बराबर होने से जितनी भी संपत्ति होती है व्यापारिक संपत्ति और गैर व्यापारिक संपत्ति होती है उतना ही उनका दायित्व भी होता है। इसी समीकरण से क्या कहेंगे, समीकरण उत्पन्न होता है, समीकरण को लेखांकन कहा जाता है। लेखांकन की द्विपक्षीय सिद्धांत में गणितीय लेखांकन समीकरण और द्विपक्षीय सिद्धांत के अनुसार व्यापार की कुल संपत्तियां हमेशा कुल दायित्वों के बराबर होती हैं। मतलब जो लेखांकन होते हैं वह द्विपक्षीय सिद्धांत में गणितीय लेखांकन समीकरण भी है और इसमें द्विपक्षीय सिद्धांत के अनुसार व्यापार की कुल संपत्ति हमेशा कुल दायित्वों के क्या होती है बराबर। आपके पास जो कुल संपत्ति है और उसमें कुल दायित्व उनके कैसे होते हैं बराबर होते हैं, इसे निम्न सूत्र द्वारा क्या कर सकते हैं प्रदर्शित कर सकते हैं। तो संपत्ति बराबर दायित्व, फिर संपत्ति बराबर दायित्व धन पूंजी, इसमें संपत्ति के बराबर दायित्व भी होंगे और साथ में धन पूंजी। तो पूंजी बराबर संपत्तियां, जो संपत्ति है उससे क्या कर देंगे दायित्व को क्या कर देंगे घटा देंगे, माइनस कर देंगे घटा देंगे। तो ये क्या हो गया लेखांकन का एक समीकरण है जो आपको लेखांकन समीकरण को प्रदर्शित करता है। तो आपके पास जितनी भी संपत्ति है दायित्व ये सब उसके बराबर संपत्तियों के बराबर दायित्व होते हैं। अनुमोदक प्रभाव से क्या आशय है और व्यवसायिक सौदों में घटती हुई प्रमाणिकता करते हुए दो प्रकार होते हैं। तो पहला हो गया बाहरी अनुमोदक प्रभाव का और दूसरा हो गया आंतरिक अनुमोदक प्रभाव। बाहरी अनुमोदक मतलब बाहरी अनुमोदक का उन प्रलेखों को कहते हैं जो तृतीय पक्ष के द्वारा तैयार किए जाते हैं। बाहरी अनुमोदक होते हैं वो किसके आधार किस पर मतलब उन क्रमांकों को क्या कहते हैं जो तृतीय पक्ष के लिए तैयार किए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हो गया मान लीजिए विक्रेता से प्राप्त कैश मेमो, उधार माल सप्लाई करने वाले प्राप्त बीजक, डेबिट क्रेडिट नोट और मकान मालिक से प्राप्त रसीद। तो ये अनुमोदित अनुमोदक प्रमाप से जो हमारा आशा है वो व्यवसायिक में मतलब जो व्यवसायिक सौदे होते हैं उसमें घटित होने वाली सत्य प्रमाणित करते हैं, सत्यता को क्या करते हैं प्रमाणित करते हैं। उसके लिए आपको जो प्रमाणित होते हैं वो द्वितीय पक्ष के द्वारा मतलब मान लीजिए आपने माल खरीदा बेचा तो वह उसके लिए विक्रेता से प्राप्त कैश मेमो हो गया, उधार माल सप्लाई करने वाला बीजक हो गया, डेबिट और क्रेडिट हो गए और जैसे कि मकान मालिक से प्राप्त नसीब हो गई। ये आपने आज क्या पढ़ा लेखांकन समीकरण के बारे में पढ़ा, अनुमोदक के प्रमापक पढ़े। ये सब आपको टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। धन्यवाद।